नरेंद्र मोदी आप प्रधानमंत्री हैं, इस देश के प्रधानमंत्री आपको सेफ नहीं देता कि आप भारत की इतनी बड़ी आबादी के ताल्लुक से इस तरह की बकवास करें। अरे आप देश के वजीर आजम हैं, आप किसी चौपाल के नेता नहीं हैं। और बोलते हैं कि हम बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं, नरेंद्र मोदी के आपके 6 भाई नहीं हैं, अमित शाह की 6 बहनें नहीं हैं। अफसोस होता है नरेंद्र मोदी के तुम भारत के वजीर आजम हो। पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है, इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे, जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा, आपको मंजूर है ये? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे और उनको बांटेंगे, जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगल सूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे। मैं कहने आया हूं, ये पुकारती है, कोई पूछने वाला नहीं है। भारत के वजीर आजम, 133 करोड़ जनता के वजीर आजम, जो कहते हैं झूठ, कहते हैं सबका साथ सबका विकास, मगर कल का भाषण नरेंद्र मोदी का ऐसा नजर आ रहा था कि हिटलर बोल रहा है, भारत का वजीर आजम नहीं बोल रहा है। और आपको याद दिला रहा हूं, मैंने पार्लियामेंट में फरवरी में जो पार्लियामेंट का सेशन हुआ था, मेरी तकरीर को उठाकर देख लो, मैंने अपनी तकरीर में कहा था कि आज भारत का मुसलमान 1930 के यहूदियों की तरह जर्मनी में जो यहूदी थे अपने आप को समझता है। और यहूदियों में जब हिटलर ने यहूदियों को गैस के चैम्बर में डालकर मार दिया, ऐसे ही नहीं डाला, पहले हिटलर ने तकरीर करना शुरू कर दिए यहूदियों के खिलाफ। यही तरह इस तरह तकरीर कर रहे नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी आप प्रधानमंत्री हैं, इस देश के प्रधानमंत्री आपको जेब नहीं देता कि आप भारत की इतनी बड़ी आबादी के ताल्लुक से इस तरह की बकवास करें। किसकी दौलत लूटी हमारे बताओ मेरे भाई, हकीकत बता रहा हूं तुमको, भारत के मुसलमानों की सुनो। जिसको अंग्रेजी में एक लफ्ज है इंटर जेनरेशनल मोबिलिटी कहते हैं, अगर मेरा दादा 100 रुपये कमा रहा था तो उसका पोता 110 रुपये कमाना चाहिए। हमारे हिंदू भाइयों के पोते अपने दादा से बढ़कर कमा रहे हैं, यादवों के बेटा बेटी अपने दादा से बढ़कर कमा रहे हैं, ठाकुरों के, राजपूतों के, भूमिहार के, आदिवासियों के, हर समाज के, सिखों के, ईसाइयों के पोते अपने दादा से बढ़कर कमा रहे। अगर कोई अपने दादा से कम पैसे कमा रहा है तो मुसलमान है वो। और नरेंद्र मोदी बोलते हैं कि दौलत हमको दी जाएगी, कितना झूठ कह रहा है भारत का प्रधानमंत्री, लेकर इस तरह की बात वजीर आजम करते हैं। अरे आप देश के वजीर आजम हैं, आप किसी चौपाल के नेता नहीं है। आप सबके वजीर आजम की बात करना चाहिए था। और बोलते हैं कि हम बच्चे ज्यादा पैदा करते हैं, नरेंद्र मोदी के आपके 6 भाई नहीं हैं, अमित शाह की 6 बहनें नहीं हैं, क्या रविशंकर प्रसाद की 7 भाई बहन नहीं हैं? मगर दिखता कौन, मुसलमान ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं। अरे झूठ बोल रहे हो तुम, तुम्हारी गवर्नमेंट का आदाद और शुमार डेटा कह रहा है कि मुस्लिम हमारी बेटियों का जो फर्टिलिटी रेट है उसमें कमी आई है, मगर ये पुरानी आदत ये बच्चे पैदा कर रहे हैं, ये बच्चे पैदा कर रहे हैं नरेंद्र मोदी जी। क्यों इतना झूठ बोलते, आदाद और शुमार तो देख लो तुम्हारी। और मुसलमानों को घुसपैठी कहते हैं, घुसपैठी कहते हैं।
पार्लियामेंट में 10 मरतबा 10 साल में सवालात पूछे गए, बताओ कितने घुसपैठी भारत में आए, मोदी की सरकार के पास कोई जवाब नहीं था, कोई जवाब नहीं है। 10 मरतबा पूछा गया और बोलते हैं घुसपैठी आए, अरे कहां से आ रहे घुसपैठी, अरे घुसपैठी आ रहे तो मोदी तुम क्या चाय पीकर सो रहे थे, रोकना था उनको। नरेंद्र मोदी जी सुनो, घुसपैठी कहां पर है मैं तुमको बताता हूं। लद्दाख में 2000 स्क्वायर किलोमीटर पर चाइना की फौज भारत की जमीन पर कब्जा करके बैठी है। अरे मोदी तुम में दम है तो बोलो चाइना के खिलाफ। तुम कमजोरों को बदनाम करते हो, मुसलमानों को घुसपैठी कहते हो। अरे मोदी अगर ताकत है तो बोलो चीन कब्जा करके बैठा है। नहीं बोलेंगे चीन के खिलाफ, चाइना के खिलाफ बोलेंगे तो इनके पेट में दर्द शुरू हो जाएगा। मगर एक भारत का प्रधानमंत्री रहकर सबसे बड़ी अकलियत को रुसवा करने के लिए इस तरह का भाषण देते हैं। अफसोस होता है नरेंद्र मोदी के, तुम भारत के वजीर आजम हो, किस तरह की वाहियात बात आपने की। अरे तुम्हारा झगड़ा किसी पार्टी से झगड़ा करो, मुखालिफत करो, मगर तुम भारत के वजीर आजम हो जिसमें 17 करोड़ मुसलमान हैं। इस तरह हमको जलील और रुसवा करेंगे कि बच्चे पैदा करते हैं,